हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी अबाउट दिस मॉडिफिकेशन। तो काफ़ी ज़्यादा ही मेरे पे इसके रिगार्डिंग क्वेरी आ रही थी कि टॉप मॉडल स्टेयरिंग का क्या प्राइस है, क्योंकि मेरा बेस मॉडल है। तो टॉप मॉडल की स्टेयरिंग वगैरह का क्या प्राइस है, क्या कैसे लगा है ये सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है मेरे पूरे स्टेयरिंग व्हील के इंस्टॉलेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सबसे पहले तो ये टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील है ZXI प्लस का। इसमें ये जो क्रूज़ कंट्रोल्स के वो है स्विचेस है, ये काम नहीं करते। बाकी ये सब म्यूज़िक कंट्रोल और कॉल उठाना और काटना वगैरह ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग पड़ी है मेरे को अराउंड 4500 रुपीज़ की पड़ी है, विद इंस्टॉलेशन हब वगैरह सब कुछ मिला के, वायरिंग वगैरह सब कुछ मिला के। तो 45 वर्थ है, काफ़ी ज़्यादा वर्थ है, मैं तो रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और ये आफ्टर मार्केट है, मैं बता नहीं सकता कहाँ से लगवाया है। अगर किसी को पूछना हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, क्योंकि वीडियो में बोलना सही नहीं रहता। और 4500 का पड़ा है ये सब कुछ लगा के। इसकी फील काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लेदर रैप फैक्ट्री से आता है, ओरिजिनल है ये, ठीक है। तो ऐसा है। और इसकी अगर आपको वो पूछना है कि इंस्टॉलेशन के बारे में, तो बोलते हैं कि वायर कट नहीं होती है, तो वायर कट नहीं होती, कार की वायर कट नहीं होती है, पर जो इसकी स्टेयरिंग की जो यहाँ की वायर होती है ना, तो उसको हल्का सा छीला जाता है, मतलब छीला जाता है हल्का सा उसमें अपने कनेक्ट के लिए, जिससे स्टेयरिंग कंट्रोल चल जाए। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाने बजा के, ये स्टेयरिंग कंट्रोल कैसे काम करता है। ओके, अभी मेरा कनेक्टेड नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। ये है और ये म्यूट का बटन, तो म्यूट हो गया। तो ये कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं, वर्थ हैं काफ़ी, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग और भी किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका काफ़ी सही है, एयर बैग की भी लाइट वगैरह कुछ नहीं जलती है, तो एकदम सही है। कभी मिस हैपनिंग होती है तो एयर बैग सब खुलेंगे, क्योंकि जेन्युइन पार्ट है, तो कोई इश्यू नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो बस यही है जो स्टीयरिंग व्हील के बारे में। अगर किसी को और भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। बाकी इसकी फील काफ़ी अच्छी है। तो